अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर 8 स्टार्ट हो चुका हुआ है और हम जो वेबसाइट बना रहे थे ये उसका पार्ट 4 है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने सबमिट करवा दिया हुआ काम प्रोजेक्ट अपना। टोटल 4 हैं। ठीक है, वो अली सीमब को निकाल के, अली सीमब डाल दें तो 5 हैं लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स मैं एंड पे रिव्यू करूँगा, पहले हम इस कोड को कंप्लीट कर लें। हमारा लेफ्ट साइड वाला कोड जो है उसका HTML तैयार है, साइड बार की। हमने राइट साइड पे ये लिस्ट ऑफ कार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, ये वाली कार्ड्स और उसके अंदर कार्ड्स, इसका HTML स्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है, और इसके अंदर एक डिज़ाइन फ्लो है, उसको भी हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। आप सब लोग आ गए हैं, अपनी अटेंडेंस बता दिया करें ज्वाइन करते ही, साथ ही सलाम करके या प्रेजेंट कह के। ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप जो हैं वो अटेंटिव हैं। ठीक है, इस राइट साइड वाले एरिया को अगर आप देखें, इसके अंदर एक वाइट कंटेनर है बाहर वाला और उसके अंदर कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं बड़े, समरी का, एक्सपीरियंस का और एजुकेशन का। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है ऑलरेडी उसके अंदर भी यही है कि एक वाइट स्पेस के लिए एक एरिया, एक हमारे पास टैग है ताकि हम वाइट स्पेस हैंडल कर सकें और उसके अंदर 3 हमारे पास कार्ड्स हैं। तो आईडीज़ और क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है उसका मैं हल्का सा तारुफ करवाया था कि आईडी वहाँ लगता है एक ऐसे एलिमेंट पे जो यूनिक हो, मींस के वो पूरे वेब पेज पे कहीं भी रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे समरी पूरे के पूरे वेब पेज पे एक ही दफ़ा आएगी, ये बार बार नहीं आएगी, तो हमने आईडी दिया, क्लास नहीं दी समरी की। ठीक है, अगर हमने क्लास देनी हो तो वो कौन सी होगी? वो क्लास होगी ऐसी क्लास जो रिपीट हो रही है। ठीक है, हम डिज़ाइन की तरफ वापस जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये बाहर वाला कंटेनर है, कंटेनर मीन कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कंटेन करता हो अपने अंदर किसी दूसरे एलिमेंट्स को, इंक्लूड करता है, उसे कहते हैं कंटेनर। ठीक है, सिंपल इंग्लिश वर्ड है। तो बाहर वाला जो वाइट एरिया है वो कंटेनर है, जो अंदर वाले हैं इनको मैंने खास नाम दिया था अभी पिछले थोड़े 2-4 मिनट पहले कि ये क्या है, ये है कार्ड्स। अच्छा, आप लोगों ने ना मेरे साथ बिल्कुल सिंक हो जाए, मैं आपका वेट करूँगा क्वेश्चन और आंसर्स का, जब मैं बोल रहा हूँ कमेंट्स अगर आप करते हैं मैं उसका वेट करूँगा, लेकिन जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन करूँ आपने फ़ौरन उसका आंसर देना है, फ़ौरन। मतलब आपका हाथ कीबोर्ड पे होना चाहिए, प्रेफरेंस यही है कि आप कीबोर्ड अपना लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के ये लेक्चर सुन रहे हो, नहीं है आपके पास तो मोबाइल पे आपका कॉन्स्टेंटली हाथ होना चाहिए कि जल्दी से आप आंसर दे सकें। अच्छा जी, तो इसको मैंने कहा था ये क्या है, इस कंटेनर के अंदर 3 कार्ड्स हैं बड़े वाले, तो इन तीनों में जो खासियत है, जो सिमिलर है, जो एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी खसूसियत जो तीनों में एक ही है, वो ये है कि ये तीनों कार्ड हैं। ठीक है, इन तीनों को जो मुनफरद बना रही है, जो अलग कर रही है एक दूसरे से, वो ये है जिसकी इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स की शक्ल रखते हैं लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो तीनों यूनिक हैं। समरी पूरे पेज पर एक ही दफ़ा आएगी, एक्सपीरियंस एक ही सेक्शन में बताया जाएगा, बार बार नहीं बताया जा रहा कहीं। इसी तरीके से एजुकेशन यूनिक है, ऐसा नहीं हो रहा कि एजुकेशन नीचे भी बताई हुई है, फिर टॉप पे भी बताई हुई है, फिर आगे जाके भी बताई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिक है, तो यूनिक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी लगाते हैं, और ऐसा कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी खासियत जो रिपीट हो रही हो वेब पेज के अंदर, उसके लिए हम क्लासेस यूज़ करते हैं। इसको मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट्स मैंने रिव्यू किए थे उनमें यह प्रॉब्लम था। आप
लोगों को थोड़ा समझने में इशू आ रहा था कि आईडी किधर लगानी है, क्लास किधर लगानी है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं, हम अपनी क्लास लगाते हैं, क्लास कार्ड। अब समरी, जैसे मैंने कहा था, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जो एक ऐसी खासियत है जो यूनिक है। समरी दोबारा रिपीट नहीं होगी, तो आईडी में और कार्ड, चूंकि हमारे पास तीन तीन है, तो ये वो खासियत है जो रिपीट हो रही है। तो कार्ड और इसके साथ भी कार्ड। ठीक है, अभी हम अपना इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ये हमारी सीवी जो अभी बन रही है आपके सामने, ये वैसी की वैसी खड़ी है जो हम जहाँ इसको छोड़ के गए थे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ तक हमने पहुँचना है। इसका इफेक्ट आईडी और क्लास का वेब पेज पे नज़र नहीं आता जब तक सीएसएस ना ऐड हुई हो। तो हमने बेसिकली सीएसएस के लिए प्रेपरेशन करें हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना जी, वो इसराइल जो है वो दजाल की तैयारी कर रहा है, फलाना दजाल की तैयारी कर रहा है, तो जी हम जी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। जब सीएसएस हम यूज़ करेंगे प्रॉपरली, तो हमारा एचटीएमएल स्ट्रक्चर पूरा रेडी होगा। और एचटीएमएल हमने जो बनाया बड़ा लॉजिकली बनाया, ऐसी हवा में कोई भी आईडी क्लास नहीं देती। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इसको हम ये कह देते हैं। भाई क्यों कह देते हैं? कोई वजह होती है किसी चीज़ का, कोई भी नाम रखने की। ठीक है, इसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, कि चीज़ों के नाम रखना, तो कोई साइंस होती है, वो हमने साइंस को आइडेंटिफाई किया है कि आईडीज और क्लास की क्या है। तो जब हम सीएसएस लगाएंगे, हम इसी साइंस का इस्तेमाल करके ही सीएसएस को अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि समरी में क्या मौजूद है। एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, सिंपल। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे एक हेडिंग और एक पैराग्राफ बनाना है ताकि इधर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, यह एग्जेक्टिव समरी और यही कंटेंट उठा लेते हैं, मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और हम जाते हैं कोड में। हमारी जो समरी है, इसके अंदर एक हेडिंग है। अब चूंकि हेडिंग वन एक ही होती है पूरे पेज पे, तो एग्जेक्यूटिव समरी की हेडिंग आ गई, उसके बाद एक पैराग्राफ, सिंपल, दैट्स इट। रिजल्ट देखते हैं इसका। ये देखें, ये नीचे ही इसके आ गया है। ये राइट साइड पे कैसे आएगा? ये सीएसएस से होगा या फिर एचटीएमएल के टेबल से होगा? टेबल्स के अंदर वेबसाइट का लेआउट बनाना 20 साल पुरानी टेक्निक है। हम टेबल्स के अंदर वेबसाइट का लेआउट नहीं बनाएंगे, अलबत्ता जो इन्फॉर्मेशन टेबल फॉर्मेट में नज़र आनी चाहिए वो टेबल में ही बनेगी। ठीक है, अगर ज़रूरी है, जैसे कि कंपैरिजन होते हैं, प्राइस चार्ट्स होते हैं, वो भी कुछ लोग टेबल्स में बाज़ूकात नहीं बनाते। तो टेबल इज़ काइंड ऑफ एन आउटडेटेड थिंग। ठीक है, हाँ, स्कूल की वेबसाइट्स वगैरह, ये टेबल में अभी भी उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बनती है। एजुकेशनल वेबसाइट्स या गवर्नमेंट वेबसाइट्स टेबल का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स या जो अपनी बेसिक लेवल ऑफ एचटीएमएल को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, ताकि वो हर जगह हर ब्राउज़र पे इजीली ओपन हो जाए। लेकिन चूँकि अगर हमें अच्छी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर मॉडर्न फीचर्स, टेबल से थोड़ा सा गुरेज करें। ठीक है, तो हम टेबल यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि बग़ैर टेबल इस्तेमाल किए हम पूरे वेबसाइट लेआउट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि हमारा जो कोड है उसके अंदर हमने हेडिंग जो है वो किस तरह देनी है। मींस के यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग थ्री कार्ड से बाहर है, तो हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को हेडिंग के लिए यहाँ पे, और वापस आके यहाँ पे हेडिंग डालते हैं H2। ठीक हो गया जी, ये काम हमने कर लिया जी, वर्क एक्सपीरियंस बना लिया। अब बारी आती है असल खेल की, डिव की, जिसके अंदर अब हमने मिनी कार्ड्स बनाने हैं। ठीक हो गया, तो मिनी कार्ड्स बनाने का जो, मिनी कार्ड्स कह लें, मिनी वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहते हैं कार्डलेट, कार्डलेट। ठीक है, कार्डलेट मतलब छोटा कार्ड, जैसे देगचा की देगची होती है, उस तरह कार्ड का कार्डलेट। ठीक है, तो कार्डलेट का हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले अगर हम वापस जाएं अपनी वेबसाइट में, जो डिज़ाइन है
इस कार्डलेट, ये जो कार्डलेट है ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास डेट है ठीक है। अगर मैं इसको ज़रा जूम आउट कर दूँ, आपका स्ट्रक्चर इसको बेहतर देख लोगे, इस तरह ये बना हुआ है। मैं जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है लाइव स्ट्रीम का, उसकी विंडो छोटी है, तो मुझे हर चीज़ को उसमें एडजस्ट करना होता है, इसलिए मैंने जूम किया है ठीक है। अच्छा, वेबसाइट ये एक हद तक रिस्पॉन्सिव है, 50% पूरी रिस्पॉन्सिव नहीं है, जिन लोगों को ये शक है कि रिस्पॉन्सिव है ठीक है, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू कार्डलेट। कार्डलेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास डेट है, डेट के बाद हमारे पास कंपनी है कि हमने उस कंपनी में क्या काम किया, कितना अरसा काम किया, किस डेजिग्नेशन पे काम किया था, इस तरह की डिटेल्स मौजूद हैं। तो हम इसको एक पूरी कंपनी ही कंसिडर कर रहे हैं कि जी वर्क एक्सपीरियंस क्या है जी, मतलब आपसे कोई पूछता है जी आपने पहले क्या हाँ काम किया है ठीक है, थोड़ा अपने बारे में अपने माजी बताएं। आप अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में काम किया होगा, आप कह देंगे जी हमने सिस्टम्स लिमिटेड में काम किया है, या हमने गूगल में काम किया है, या फेसबुक पे काम किया, तो आप फौरन से सबसे पहले कंपनी का तारुफ कराते हैं कि कहाँ काम किया। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस कार्डलेट के अंदर एक डेट है और एक कंपनी है। कंपनी के अंदर मजीद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टेन्योर है, कितना अरसा काम किया, फिर उस कंपनी का कार्डलेट के अंदर दो छोटे एरियाज हैं ठीक है। एक एरिया में डेट है, दूसरे एरिया के अंदर एक दो तीन और चार चीज़ें मौजूद हैं। तो हम इसको अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, थ्री कार्डलेट्स बनाएंगे सबसे पहले, देखेंगे कि किस तरह से बन सकते हैं इसके नीचे थ्री कार्डलेट्स। तो इसको मैं, चूंकि मेरा जो कार्डलेट है, पहली बात उसकी क्लास जो होगी वो कार्डलेट होगी। कार्डलेट क्लास क्यों है ये मुझे ज़रा जल्दी से कमेंट्स में बताएं। मैंने कहा था अपने हाथों को एक्टिव रखिए फॉर टाइपिंग, इसका मैंने क्लास कार्डलेट क्यों दी है, मैंने इसको आईडी कार्डलेट क्यों नहीं दिया, क्वेश्चन है मेरा। गिविंग यू स्मॉल टाइनी 10 सेकेंड्स टू आंसर क्विकली। क्लास कार्डलेट क्यों दी है मैंने, आईडी कार्डलेट क्यों नहीं दिया, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा आईडी कार्डलेट ठीक है। कार्डलेट से मुराद क्या है, ये जो छोटे इस वर्क एक्सपीरियंस के कार्ड पे ये जो छोटे छोटे कार्ड्स हैं, कार्डलेट्स हैं, ये में हम बना रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस का बन चुका हुआ है सेक्शन। कार्ड जो है बड़ा वाला कार्ड, उसके अंदर अब हम छोटे छोटे कार्ड्स बनाने लगे थे। तो हमने जो पहला एलिमेंट बनाया उसकी क्लास दी कार्डलेट। क्लास कार्डलेट क्यों दी, क्वेश्चन ये। जिन लोगों ने अटेंटिवली नहीं सुना होता ठीक है, वो लेक्चर ऑन करके फ़ोन पे बातें करने लग जाते हैं या चैटिंग करने लग जाते हैं, उन लोगों के लिए, उन उन अफसर और बादशाह लोगों के लिए मैंने ही रिपीट किया क्वेश्चन, व्हाई द कार्डलेट आइडेंटिफायर इज अ क्लास, व्हाई नॉट इट इज एन आईडी। आपके क्वेश्चंस के आंसर, मेरे क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे उसको मैं वैलिडेट कमेंट सेक्शन में करूँगा ठीक है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में वैलिडेट करूँगा कि सही है कि नहीं। इसका आंसर ये है कि कार्डलेट एक ऐसी खसूसियत है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बार बार रिपीट होनी है। यहाँ पे हमारे पास थ्री कार्डलेट्स हैं, मीन्स कि ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है सिंपल। तो यहाँ पे जब हम डिव बनाएंगे तो रिपीट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस कार्डलेट में एक और खासियत है कि ये कोई आम कार्डलेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आगे एजुकेशन के सेक्शन में मज़ीद कार्डलेट्स हैं, तो ये कार्डलेट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कार्डलेट वाला जो स्टाइल है ये सिर्फ एक्सपीरियंस में नहीं है बल्कि एजुकेशन में भी है।
मीन्स ये एक ऐसी खसूसियत है जो पूरे वेब पेज पे फैली हुई है, ना कि सिर्फ एक सेक्शन में। तो हमें किसी तरीके से इसको मज़ीद स्पेसिफाई करना है कि ये थ्री कार्डलेट्स जॉब से रिलेटेड हैं और ये थ्री कार्डलेट्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि हम कार्डलेट के साथ जॉब लिखते हैं। दो क्लासेस देने का तरीका ये है कि आप एक क्लास का नाम दें और फिर दूसरी क्लास का नाम दें, ठीक है। तो अब आप देखिए ज़रा कि हमने, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने जॉब को आईडी क्यों नहीं बनाया, जैसे यहाँ पे समरी को आईडी बनाया था। उसका सिंपल आंसर ये है कि समरी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिपीट नहीं होनी, जबकि जॉब रिपीट होनी है इसलिए वो क्लास का हिस्सा है। कार्डलेट रिपीट होना है इसलिए वो क्लास का हिस्सा है। हमने कार्डलेट के साथ जॉब लिख के इस कार्डलेट को यूनिक बना दिया है इस एक्सपीरियंस के सेक्शन के साथ। यूनिक इन अ सेंस कि अब जब ये जॉब कार्डलेट दोबारा रिपीट नहीं होने वाला कहीं और, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि आगे एजुकेशन कार्डलेट बनना है, जॉब कार्डलेट नहीं बनना। तो अब हम एजुकेशन कार्डलेट में जाते हैं और यहाँ पे हम अपने इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। तो हेडिंग टू एजुकेशन, और यहाँ पे डिव क्लास कार्डलेट, ठीक है। कितने कार्डलेट्स हैं जी? डिज़ाइन के हिसाब से एजुकेशन में दो कार्डलेट हैं। टोटल इस वेब पेज पे पांच कार्डलेट्स हैं, एजुकेशन में दो हैं, एक्सपीरियंस में तीन हैं। तो हैं तो सारे कार्डलेट्स, तो हम एजुकेशन में कितने बनाएंगे? दो कार्डलेट्स। ले जी बन गए। अब कार्डलेट तो ये भी है, ये भी है, फ़र्क कैसे करें दोनों को? कि ये वाला कार्डलेट जो एक्सपीरियंस में है ये इससे फ़र्क है। उसके साथ तो जॉब लिख दिया, इसके साथ अब हम क्या लिखेंगे? एजुकेशन लिख दो, या मैं इसको अल्मा मैटर कहना चाहूँगा, मतलब कि वो इदारा जहाँ से आपने तालीम हासिल की होती है, ठीक है, उसे कहते हैं अल्मा मैटर। तो वैसे तो उसको अल्मा मैटर बोलते हैं अंग्रेज, अल्मा मैटर। एनीवेज, तो ये है जी हमारा सारा स्ट्रक्चर डिफाइंड, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर है हमारे कार्डलेट्स का। बेसिक लेवल से मुराद की उसकी हमने जगह बना दी है कि जॉब के कार्डलेट है ये और इसके अंदर जॉब की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो जगह बना दी है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स एडिंग जॉब इंफॉर्मेशन नेट, ठीक है। हमने मज़ेदार बात यह है कि हमने सिर्फ एक कार्डलेट के अंदर सारी जो फिलिंग करनी है इंफॉर्मेशन की, और फिर इस जब ये बन जाएगा इसको कॉपी पेस्ट करके इधर प्लेस कर देंगे, इसको डिलीट करके, ठीक है। ये करना है, एक दफ़ा बना लेंगे उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे बाकी दो के ऊपर, ठीक है। उससे हम ये है कि हमें ये सारे दोबारा दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिक भी लगाना है, हर चीज़ को हाथ से नहीं लिखना, लेकिन हर चीज़ को कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, ये भी है, ठीक है। एक दफ़ा खुद मेहनत कर लें लिख के, और उसके बाद समझ आ जाए उसको, फिर आप कॉपी पेस्ट कर लें। तो अब हम शुरू करते हैं जी हमारा कार्डलेट। इसकी एक दफ़ा शक्ल देख लें जी, यहाँ पे आपको ये है हमारी इस तरह की करंट शक्ल, इसकी एग्जेक्टिव समरी वर्क एक्सपीरियंस। ये इसके अंदर अब हम काम करने लगे हैं, हमारे कार्डलेट्स बनने लगे हैं इस तरह की। अब मैंने जैसे बताया था जी कार्डलेट्स के अंदर दो सेक्शंस हैं, दो एरियाज हैं, सेक्शंस नहीं हैं, दो एरियाज हैं। ये कार्डलेट है, एक एरिया इसमें डेट का है, दूसरा कंपनी का है। इसको अब हम शुरू करते हैं। आपको पता है एक एलिमेंट वीएस कोड में पूरा डिफाइन किया जा सकता है क्लास देने से। क्लास आपको पता है, डॉट लगाएं, क्लास का नाम लिखें जो देना चाहते हैं आप, तो वो वहाँ पे पूरा एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। लो जी, डेट हमारी एक क्लास है।
अब मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की बार बार ज़रूरत है कि डेट को मैंने क्लास क्यों कहा, आईडी क्यों नहीं कहा, ये मैं बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ, ठीक है, इस वीडियो में भी, पहले भी लेक्चर में, इस ख़ास तौर पे लेक्चर में 3-4 दफ़ा समझाया है, ठीक हो गया। और पिछले लेक्चर में तो मैं शायद इसे 2 लेक्चर पहले मैंने तो आपको वो डायग्राम भी समझाई थी इसकी। अच्छा जी, तो ये हमारी डेट हो गई, डेट के बाद हमारी कंपनी है, ठीक हो गया जी, डेट और कंपनी। डेट के अंदर हम हाथ से डेट लिख देते हैं, आपने इसमें लगाना है पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ लगा लें आपकी मर्ज़ी, बेहतर है। अच्छा जी, कंपनी के अंदर हमारे पास 4 टैग्स हैं, टेन्योर का टैग है, और टेन्योर का टैग नहीं, टेन्योर की इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने क्लास दे दी, उसमें हमने लिख दिया 1 ईयर। उसके बाद हमारे पास कंपनी के अंदर नाम, कंपनी का नाम है अमेज़ॉन, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास पोजीशन है, डेजिग्नेशन जिसको कहते हैं, कि जी वहाँ पे आप कौन से डेजिग्नेशन पे थे, महाराजा थे, वॉरियर थे क्या, ठीक है जी। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके अंदर आप अपनी छोटी सी वो लिस्ट बना लें, या बना लें खाली वन लाइनर लिख लें, दौरा में समाया था, ठीक हो गया जी। ये इसकी अब शक्ल देख लेते हैं क्या, ये हमारे पास देखें जी सारी चीज़ें आ गई हैं। डेट, कंपनी, कंपनी में कितने अरसा काम किया, कंपनी का नाम क्या था, उधर मैनेजर थे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, दैट इज़ इट। आपका एक कार्डलेट डिफाइंड है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसकी शक्ल देख लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा कार्डलेट डिफाइंड हो गया, हमने सिर्फ अब इसको कॉपी पेस्ट करना है, सेलेक्ट, कॉपी पेस्ट एंड अगेन पेस्ट, रिजल्ट्स देखते हैं क्या है, ठीक है जी। ये इसके अंदर अब आप इंफॉर्मेशन चेंज कर लें, जाके 2018-19 कर लें, 16-17 कर लें, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आ जाए, 16-17 मैंने गूगल, गूगली, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हम कार्डलेट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, जाके देखें, अपडेट हो गया, ठीक हो गया। तो अब हम एजुकेशन को डिफाइन करते हैं, थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई है क्योंकि मैं तकरीबन 7 लेक्चर्स बड़े स्लो दिए हैं, अब मुझे ज़रा स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो मेरे पुराने लेक्चर्स देखा करें, जो मेरा करंट लाइव लेक्चर चल रहा है वो तो देखें, एजुकेशन रूटीन में चल रहा होता है ये, पुराने लेक्चर्स भी देखें। और जिन लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से समझ नहीं आ रही, ठीक है, कुछ लोगों के मुझे पर्सनल मैसेजेस आए हैं ग्रुप्स में, जाहिर सी बात है कि हर कोई खुल के बात नहीं कर पाता, तो कि जी वो मिस कर चुके हैं 5, 6, 7 क्लासेस। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप वो 5, 6 क्लासेस शुरू से देखें, ठीक है, कोई मसला आता है मुझसे पूछ लें, मैं ग्रुप में मौजूद हूँ, बाकी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, माशाल्लाह काफ़ी होनहार बच्चे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी झिझक है, या आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर आपको ये सम लगता है कि जी मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है इन सब चीज़ों को सीख के, तो मैंने आपको फिर उसका हल बता दिया है। एसटेक फोर्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड कोर्स है, कोर्सेज की लिस्ट है, उसके अंदर सारे टेन्योर लिखा हुआ है, उसमें सिलेबस लिखा हुआ है, और वो जब आप कोर्स करेंगे उसके साथ स्पेशलाइज्ड एसोसिएटेड ट्रेनर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट एंड का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं फ्रंट एंड सिखाऊंगा, जो ट्रेनर बैक एंड के स्पेशलिस्ट हैं वो बैक एंड सिखाएंगे, इसी तरीके से जो एंगुलर के हैं, डेटा साइंस के हैं, वो अपनी अपनी फील्ड्स को सिखाएंगे। तो आप एक वक्त में मुख्तलिफ टीचर से पढ़ रहे होंगे, एक टीचर नहीं होगा,
डिफरेंट टीचर्स होंगे प्रॉपर उसको सिखाने वाले होंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड वगैरह आपकी ट्रेनिंग होगी। इस सब का मकसद ये है कि आपके अंदर वो सलाहियत पैदा की जाए इन कोर्सेज में, इसमें और बाकी जितने कोर्सेज यहाँ पे मार्केट में पड़े हुए हैं उन सब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं बात आपको लिख के रिकॉर्डेड वीडियो की शक्ल में हर तरह लिख के देने को तैयार हूँ। एक वाज़ेह फ़र्क है इन कोर्सेज में और उन कोर्सेज में जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ इदारे करवा रहे हैं, गवर्नमेंट के भी करवा रहे हैं, लोकल भी करवा रहे हैं, प्राइवेट भी करवा रहे हैं। हमारा कोर्स आपको एनेबल करेगा कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट बनाएं, अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, कोई उसको लॉन्च करें, बिजनेस जनरेट करें, लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करते करते ना ज़िंदगी ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ओनर बने, आप जब ये कोर्सेज के इस ड्रिल से गुजरेंगे इन कोर्सेज की, आप बिलाखिर एनेबल हो जाएंगे, बल्कि इस दौरान ही एनेबल हो जाएंगे कोर्सेज के दौरान, कि आप अपनी प्रोडक्ट पे काम करना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसकी मार्केट में वर्थ होगी। जिसकी फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा, ठीक है, फूड पांडा किसी डिवेल्पर ने बनाया था, इस्लाम 360 किसी डेवलपर ने बनाया था, आज उसकी वर्थ है मार्केट में, उसको यूजर्स, लाखों यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, रजिस्टर हुए हुए हैं, उसमें डेटा मौजूद है उनका, तो इसकी वर्थ है, ठीक है। यूट्यूब वॉज नो बाय बायड आउट बाय गूगल, यूट्यूब किसी और का था, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। दराज हमारा लोकल था, उसको अली बाबा ने ख़रीद लिया, ठीक है। शुरू तो ये प्रोडक्ट्स के तौर पे हुई थी, लेकिन कहाँ जाके ये लेवल इनका देखें कहाँ पहुँचा है। सर्विस दे रहे होते तो क्या होता, सर्विस ही देते रह जाते, कुछ भी नहीं होना था, ठीक है। एक वेब डेवलपर सर्विस दे रहा है कि मैं आपके लिए वेबसाइटें बनाऊंगा, वो ज़िंदगी सारी एंड तक वेबसाइट्स ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। थिंक अबाउट योर सेल्फ, छोटी एज में कुछ कर लें। एनी वेज, लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। इस कार्ड को बनाते हैं एजुकेशन के, इसमें हमारी जो एजुकेशन का कार्ड था उसमें क्या था, दोबारा देखना पड़ेगा, उसमें डेट थी, इंस्टीट्यूट का नाम था और उसमें हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। तीन चीज़ें हैं, तो बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो डेट है, दूसरा इंस्टीट्यूट है, ये दोनों इंस्टीट्यूट की चीज़ें हैं, ठीक है, नाम और उसकी डिग्री। तो इसको अब हम बनाते हैं। सबसे पहले डेट, ठीक हो गया, इसमें हम डेट ले लेते हैं 2009 से 2013, फिर हम बनाए थे इंस्टीट्यूट। इसके अंदर मजीद चीजें हैं, इंस्टीट्यूट का नेम है और डिग्री है, डिग्री का नाम है, ठीक है। अब इसको भी हमने एक दफ़ा ही बनाना है, दूसरी दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। मेरी जो है एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, डिग्री इंग्लिश लिटरेचर। मेरी बेसिकली डिग्री जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट चीज़ों का है, ठीक है, तो शौक भी बहुत सारे डिफरेंट हैं। इसकी पहले शक्ल देख लें क्या निकली है। ये जी, ये हमारी एजुकेशन है, इसको हमने कॉपी पेस्ट करना है। इसको कॉपी किया सारे को, इसको पेस्ट कर दिया, बस जी, लो जी तैयार हो गया। अब इसकी इंफॉर्मेशन डेट्स वगैरह चेंज कर लें, ठीक हो गया, ये हमारा सारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब हम CSS को समझेंगे। हमारी CSS की सीरीज स्टार्ट हो गई हुई है, ये हमारे HTML का लास्ट कह लो के लेक्चर था, क्योंकि इसके अंदर हमारा पूरा जो ढांचा है वो रेडी है, ठीक है। इसको अगर मैं एक टर्म दूं, HTML के स्ट्रक्चर को खड़ा करने को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं जी? स्कैफोल्डिंग, डबल एफ आता है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये स्कैफोल्डिंग
स्कैफोल्डिंग बेसिकली, पता नहीं डबल एफ आता डबल सी आता, बहरहाल मुझे अंग्रेजी का वर्ड पता ही है। स्कैफोल्डिंग कहते हैं जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो उसके अंदर सीमेंट के अंदर लोहे की सलाखें डलती हैं ताकि वो सीमेंट खड़ा रह सके। सीमेंट खड़ा रहेगा तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी, जारी बात है। तो उस सीमेंट में जो जान डालता है, उसकी जो बुनियाद खड़ी करता है सारा कुछ, वो होता है लोहा। उसकी लोहे की जो अंदर तारें डलती हैं, उसकी जो सलाखें डलती हैं, उससे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, लोहे का ढांचा। बिल्कुल बेसिक बोन लेवल, ठीक है, बोन लेवल इसमें स्ट्रक्चर होता है। ये हमने बना दी है HTML। अब इसकी खूबसूरती नोक पलक हम CSS में करेंगे। CSS को मैं प्रॉपर स्टार्ट करूँगा, उसकी मैं डिटेल दूंगा, CSS क्या होती है, CSS में का फ़र्क क्या है HTML के साथ, ठीक है, और उसके लिखने का तरीक़ेकार क्या है, उसमें क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, जावास्क्रिप्ट से वो कैसे फ़र्क है, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और अब हमारा टाइम है कि अब हम बात करें प्रोजेक्ट्स की। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं, आई एम वेटिंग फॉर इट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली कमेंट्स में लिखते हैं कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, डोंट कीप मी वेटिंग। सारे वेट कर रहे होते हैं, मैंने पहले भी कहा है मेरे साथ 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 सिंक हो जाएं। ठीक है जी, आई एम वेटिंग। अच्छा जी, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? पहले मुझे ये बताएं, मुझे काफ़ी देर से लग रहा है कि शायद मेरी आवाज़ ना क्लियर आ रही हो, मुझे बताइए आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है जी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ओके, अच्छा जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, सिद्रा कह रही हैं कि मैंने CSS की फ़ाइल बनाई है पर कोई कलर इफेक्ट नहीं कर रही रिज्यूमे पर। तो रिज्यूमे पर कलर इफेक्ट नहीं करी CSS, इसकी 3 पॉसिबल रीजंस हैं सिद्रा। पहली रीज़न ये है कि आपने CSS की जो फाइल का जो पाथ है उसमें कोई मिस्टेक की है या सही नहीं दिया, ठीक है। हो सकता है वो फाइल आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में ना हो, वो कहीं और पड़ी हो और आपने उसको इंक्लूड कर लिया हो, फाइल का नाम कोई और था, आपने कोई और लिख दिया, या कोई एक आधी कोई लिखते हुए कोई चीज़ मिस हो गई है, ठीक है। पहली रीज़न, CSS अगर इम्पैक्ट नहीं दे रही CSS का फाइल, उसकी पहली रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये है कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है CSS क्लास की। फॉर एग्जांपल, आपने क्लास का नाम रखा था कार्ड, ठीक है, और लिखते हुए आपने क्लास का HTML में नाम रखा CARD, कार्ड, ठीक है। जब आप CSS में गए आपने लिख दिया CRAD गलती से, या कार्ड के पीछे आपने डॉट नहीं डाला, ये हो सकता है पॉसिबल रीज़न। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने कोई टाइपो सिंटेक्स में कर दिया, ठीक है। जैसे इज इक्वल टू का कल मसला आ रहा था, उमर भट्टी की शायद CV में था मसला, वो HTML में जब विड्थ जहाँ जहाँ लिखी थी वहाँ वहाँ प्रॉब्लम था, सही दी ही नहीं, ठीक है। तो सिंटेक्स का, स्पेलिंग मिस्टेक्स का इशू हो सकता है, ठीक है। और तीसरी चौथी कोई वजह नहीं है कि आपका CSS ना चले, इन चीज़ों को चेक कर लीजिएगा जी। वजीहा और फैसल, आपका क्वेश्चन है कोई? यस सर, आपने दिखाया कोई क्वेश्चन आपका? सिद्धर, आपको क्लियर हो गया ना? ओके ओके,
WP ग्रुप, वर्डप्रेस ग्रुप, उसकी बात कर रही हैं। एक मिनट ठहरे हैं, आपका मैसेज मैं ज़रा ढूंढ लूँ। एक तो यहाँ हमारे ग्रुप में ना शुगल बहुत लगता है, यकीन करें मुझे ऑर्डर आ जाते हैं एसटेक फोर्स से कि काइंडली ग्रुप चैट क्लोज कीजिए। अच्छा जी, वजीहा कहाँ है? आपका मैसेज मुझे मिल नहीं रहा। ये है, ओके। मैं एक्चुअली ना व्हाट्सएप साथ खोल के बैठा हूँ, अगर आप क्वेश्चन यहाँ लिख दें तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मुझे मिल नहीं रहा। ओके ठीक है, फोल्डर आपका एक्चुअली वो लाइव नहीं चल रहा, ये इशू है ना। जी, फैसल, मैंने प्रोजेक्ट्स चेक किए हैं, मेरे पास तकरीबन 4 प्रोजेक्ट्स आए थे, मैंने उनको देखा है। ठीक है, तो अच्छा जी, मैं भी उनका सारा करूँगा, आपको ना रिव्यू दूँगा। अच्छा जी, अगर आप ये एरर अपना देखो ना, एरर अगर आप अपना देखो, उस पर लिखा हुआ है ओपन अ फोल्डर और वर्क स्पेस। ठीक है, वो बता रहा है कि जी आप फाइल पे जाओ। ठीक है, फाइल मतलब जब आप खोल लेती हैं ना, उसके अंदर index.html। ठीक है, तो आपने ऊपर टॉप में फाइल में जाना है, उसके बाद ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। फाइल में जाके ओपन फोल्डर क्लिक करें और उस फोल्डर पे क्लिक करें जहाँ वो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, फाइल नहीं खोलनी, फोल्डर खोलना जहाँ वो फाइल पड़ी हुई है, ये फिर चलेगी आपकी। ठीक है जी, वो लाइव नहीं जाएगी जब तक index.html ओपन करेंगे। आपने index.html ओपन नहीं करनी, आपने फोल्डर ओपन करना है। ठीक है, अब ये ज़रा अजान हो जाए, मैं इसलिए ना इसको म्यूट करने लगा हूँ, हम 5 मिनट्स खामोशी ज़रा अख्तियार कर लें। ठीक है, ठीक हो गया जी, अजान हो गई हमारी। हाँ, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे बस ये तसल्ली देते रहा करें, मुझे ना डाउट होता है मिनट बाद। बता दें जी जल्दी जल्दी, या वो मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं? माई वॉइस क्लियर? ओके ओके, आवाज़ क्लियर है। चले, आपके मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे प्रोजेक्ट्स पे मूव करते हैं। ठीक है, ये बाकी जो बच्चे यहाँ से गए हैं ना, अभी जो लीव हो रहे हैं, वो काइंडली वापस आएँ और लेक्चर अटेंड करें, अपना प्रोजेक्ट रिव्यू सुन के जाएँ। ठीक है,
मैंने रात को बैठ के सारे मैसेजेस चेक किए थे, गूगल क्लासरूम में देखा था कि किधर किधर प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो काइंडली गूगल क्लासरूम्स भी मुझे भेजा करें, कहीं और ना भेजा करें। ओके अच्छा जी, ये बाकियों को ना सबको मैसेज किया करें, उनको जगाया करें कि भाई क्लास में आओ, ठीक है? हम सब मेहनत करते हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए, तो ये बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। दैट्स वेरी सैड। ठीक है, अच्छा चलें, खैर अब आपके कोई क्वेश्चन नहीं है ताकि हम प्रोजेक्ट रिव्यू करें? जस्ट क्विकली से नो, अगर है तो यस कह दें। जस्ट मैं चाहे प्रोजेक्ट्स ओवरव्यू पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं क्वेश्चंस एंड पे लूँगा, पहले मैं अपना सारा फीडबैक खुद दूंगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस पूछूँ कमेंट में आपने क्वेश्चन मुझे बता देने आंसर्स, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब हमारा ये छोटे प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आंसर थे, मेरा प्रोजेक्ट के बाद भी एक सेशन होगा क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है? तो अब हम प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। मेरे पास सबसे पहले अरसलान का प्रोजेक्ट है, ठीक है? अरसलान ने प्रोजेक्ट की फाइल्स तो दे दी HTML CSS, लेकिन जो इमेज लगाया वो मुझे नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा। एनीवेज, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस CV का ये है कि बहुत प्यारी CV है, आई लाइक इट। पूरा फोकस सेंटर में हो रहा है इस CV के, ठीक है जी? साइड्स पे सब तवज्जो ख़त्म हो रही है, ग्रे किया हुआ है, बीच में वाइट कलर। आई लाइक द टेम्पलेट दैट अरसलान यूज्ड। ये तो फ्रंट है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर डिवाइडर्स हैं, डिवाइडर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि ये हेडर है, नीचे ये सारी बॉडी है, ठीक है? आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड दैट, गुड। अच्छा जी, ये इन्होंने हेडिंग्स का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरत किया हुआ है, जो भी डिज़ाइन इन्होंने देखा था उसको बखूबी इस यहाँ पे अडॉप्ट किया है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए थी और ये बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए था। यहाँ पे आप देखें, ये जो लाइन है बीच वाली, ये बता रही है कि ये अलाइनमेंट ख़राब है। ये लाइन बराबर होनी चाहिए थी इसके, ठीक है? आपने मेरे ख्याल में पूरी की पूरी लिस्ट ये जो बनाई हुई है, इसको एक ही मार्जिन पैडिंग दे दी है सबको, जिसकी वजह से हिल गया है, ठीक है? इसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। वर्क एक्सपीरियंस, इसमें दोनों चीज़ें ही बोल्ड हो गई हैं, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर, पता नहीं आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया है वहाँ पे। ये मेरा नहीं ख्याल इस तरह से होगा कि आपकी डेट और डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम सारा कुछ बोल्ड। चलें खैर, बट इट्स नाइस। देखते हैं कि पीछे हेडिंग लेवल्स क्या हैं, कोड क्या है, सिमेंटिक टैग्स यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं। दैट इज़ गुड, लिस्ट इस्तेमाल की है। ठीक है, नाइस। ओके, हेड भी ठीक है, सही है। ये मेरे ख्याल में आपने जो CV कंटेनर दिया है, ये ग्रे एरिया के लिए दिया हुआ है, ये जो बाहर ग्रे एरिया है, अंडरस्टैंडेबल। इनर कंटेनर ये होगा वाइट वाला, अंदर वाला, ठीक है? और इनर कंटेनर के अंदर एक इन्फो कंटेनर है। इन्फो कंटेनर में क्या है भाई? समरी कंटेनर, स्किल कंटेनर, ये अच्छा, ये हेड है, ठीक है? अब देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, मुझे इंसान होते हुए, दिमाग होते हुए मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है। कंप्यूटर तो परेशान हो जाएगा। सिमेंटिक टैग्स ही यूज़ नहीं किए हुए, आर्टिकल का हेड फुटर नहीं यूज़ किया हुआ, मेन नहीं यूज़ किया हुआ। दिस इज़ नॉट गुड। आपको सिमेंटिक टैग्स सही तरह यूज़ करने चाहिए ताकि आपका कोड अंडरस्टैंडेबल हो, बोथ फॉर ह्यूमन आइज एंड ह्यूमन आइज एंड फॉर कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर भी समझ सके, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके, ठीक है? इन्फो कंटेनर में आपकी मेरे ख्याल में बेसिक डिटेल्स हैं। आपका बेसिकली ये आर्टिकल लेवल है, इसको आर्टिकल कहना चाहिए था आपको, ठीक है? और ये हेडर होना चाहिए था यहाँ पे, बस ये वाला, ये आर्टिकल है आपका, ठीक है? और ये हेड होना चाहिए था, उस हेड के अंदर आपकी डिटेल्स, और इसके अंदर अगर आपने सेक्शंस बनाने थे, ये सेक्शंस बन सकते थे। एनीवेज,
सिमेंटिक टैग्स जाके देखिए आर्टिकल के क्या हैं, कोई और बेहतर टैग मिलते हैं वो लगाएं, टैग्स सिमेंटिक टैग्स बेहतर करें। बाकी आई थिंक दिस इज़ गुड, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बनाया ये आपने। हेडिंग फोर, हेडिंग थ्री का है, हेडिंग थ्री वो एक्सपीरियंस, हेडिंग टू का है, हेडिंग टू, अच्छा जी हेडिंग टू नहीं है इसमें। अरसलान हेडिंग टू आपने नहीं बनाई हुई इसमें, बल्कि हेडिंग वन है, हेडिंग टू नहीं। हेडिंग वन के बाद हेडिंग थ्री कैसे आ सकती है, हेडिंग टू नहीं चाहिए थी। दिस इज़ अ मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक है, इसको ठीक करें। हाँ बाकी ठीक है, इट्स फाइन। सी एस एस में क्या आपके बड़े बॉक्स कोशिश अच्छी की है, नाइस। ओके बैकग्राउंड कलर सीवी कंटेनर, ये कोड सही नहीं है आपका। विड्थ को आपने हाइट के साथ कंपेयर किया हुआ है, ये जो आपने सीएसएस का जो यूनिट इस्तेमाल किया ना, ये इसे कहते हैं व्यू हाइट, ठीक है। इसकी वर्किंग और है, आपको यहाँ पे पहली बात व्यू विड्थ होना चाहिए था, ठीक है, तब इसकी वर्किंग ठीक हो जानी थी। आई डोंट नो आपने क्यों किया हुआ, वैसे ये हैरान कन चीज़ है, ऐसे होता नहीं है। आपने रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश की है, आई विल इंशाल्लाह क्रिएट अ लेक्चर ऑन इट एट द एंड ऑफ दिस सी एस एस सीरीज। सी एस एस ख़त्म हो जाएगी ना जब, उसके दौरान या के बीच में कहीं जाके एंड में, बल्कि मैं बताऊँगा कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव किन किन तरीक़ों से होती है। ये तरीका आपने यूनिट का इस्तेमाल ठीक है, व्यू हाइट व्यू विड्थ से रिस्पॉन्सिव होती है, परसेंटेज से भी होती है, बहुत सारे और डिफरेंट तरीके उनसे भी होती है, लेकिन विड्थ को हाइट के साथ कंपेयर करना दिस इज़ नॉट गुड। इसको आप स्टडी करें मज़ीद और बेहतर करें इस कोड को, ठीक है। ये कोड आपका डिस्टर्बिंग है, इवन कि अगर मैं इसको देखूं, इसकी मैं विड्थ हाइट चेंज करूं, ये देखें आपका कोड रिस्पॉन्सिव नहीं है, पेज कटना लग गया, ठीक है, क्योंकि आपने जो उसको विड्थ हाइट दी हुई है वो सही नहीं दी हुई। अगर इसको आप सही करते तो ये सही हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देता सीवी कंटेनर, सीवी कंटेनर किसको कह रहे हैं, बाहर वाले को, जस्ट से मैम इसको आप 100% कह रहे हैं। वन ट्वेंटी अभी भी सही चल रहा है, देख ले कोई इशू नहीं आया, नहीं आएगा, ठहरें रिफ्रेश करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके अंदर आपने इसको सी वी कंटेनर के अंदर इनर कंटेनर को मार्जिन दिया हुआ है, ना 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 सर, ये आपने रिस्पॉन्सिवनेस सही नहीं दी हुई, इनर कंटेनर को मार्जिन दे के छोटा किया हुआ है। इसको आपको विड्थ देनी चाहिए थी, इनर कंटेनर के अंदर क्या है, कंटेनर ठीक हो गया, इसके अंदर और क्या किया हुआ, ओके इसको उड़ा यहाँ से, ओके इसको अगर आपने रिस्पॉन्सिव करना है तो आपको मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको अगर आप फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल कह देते हैं, अब आपका डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाएगा इसमें, ये देखें ठीक हो गया। ये अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन जिस तरीके से आपने किया हुआ था उससे बहुत अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोलेबल रिजल्ट आने थे, तो मैंने खैर इसका एक मैंने डायरेक्शन सेट कर दिए, यू कैन इम्प्रूव इट।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें जो भी करना है। अच्छा जी, अगला हमारा सीवी है। अच्छा, बाय द वे, और कौन से सीवीज हैं? अच्छा, ये तो हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस सीवी से मुतालिक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने जो ये बनाया हुआ है ना लेआउट, बेशक आपने कहीं से कॉपी की है, आप बेसिकली जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाने लगेंगे ना, अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं, क्लाइंट्स की बात नहीं मैं कर रहा, ना मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई आइडिया आता है, अभी मैं कल परसों बात कर रहा था अपने घर में किसी खातून से, तो मैंने उनसे, वैसे ही मैं ज़रा एक्साइटेड हुआ था इस आइडिया की कॉन्सेप्ट से, कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज एक्चुअली रूलिंग द वर्ल्ड मैन। जो प्रोडक्ट है इससे सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सर्विसेज से काम चल रहा है, सिर्फ जो असल पैसा है वो प्रोडक्ट्स में है। इस आइडिया से मैं बड़ा मुतासर था। घर में मैंने कहा, लोग घर में बात हुई जी, कैसे कि कैसे हो सकता है जी, ये आप प्रोडक्ट हर कोई बना सकता है, ये कैसे बात कर सकते हो इतनी आसानी से। मैंने फिर उनसे बात की, मैं कहा चले आप बताएं आपकी सबसे मेजर स्किल क्या है। उन्होंने कहा जी, एक 4-5 सेकंड सोचा। उन्होंने कहा अच्छा, मेरी जो स्किल, अगर आपको, तो मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती। मैं कहा लो जी, स्किल है, बजाय क्या लोगों को मेहंदी लगाएं, ठीक है, अपनी अपना रोज़गार लिमिटेड कर लें, किसी ने मेहंदी लगा ली तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, आपने सर्विस दे के अपने आप अपना जो रिस्क है लिमिटेड कर दिया, ठीक है। अब हम इसी सर्विस की प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? मैं कहा आप अपनी पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप डिज़ाइंस बनाना शुरू कीजिए, स्टडी करें दुनिया के बेहतरीन डिज़ाइंस को, और अपना डिज़ाइन एक क्रिएट करें, ठीक है। मैं उसके उन पेपर्स की प्रिंटिंग करवाऊंगा, उसका अच्छा लेमिनेशन और ताकि स्टिकर बने, और उसके ऊपर मैं लिख दूंगा आपका नाम, ठीक है, फॉर एग्जांपल सना, तो सनाज मेहंदी, ठीक है, और साथ उसके अंदर होममेड मेहंदी का मटेरियल। ये एक पैकेट होगा हमारा 250-350 रुपीज़ का, जो हम बायर मार्केट में सेल करेंगे। अब आपने मेहंदी डिज़ाइंस 15 बनाए हैं, लेकिन आपको इनकम रेगुलर आ रही है, प्रोडक्ट बन गई है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रोटेट हो रहा है पैसा इंडस्ट्री में, और आपका नाम ब्रांड बन रहा है। मेहंदी जब लगा रही थी, आप सर्विस दे रही थी, कोई नहीं जानता था आपको, अब आपके प्रोडक्ट पूरी मार्केट में है। मैं कहा इससे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और एक बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा टिकटॉक पे कल आया हुआ था, कल परसों, एक साहब जो हैं वो अखबार बेच रहे हैं, ठीक है जी, तो उनके पास दूसरे साहब आते हैं जी, कहते हैं जी मुझे अखबार दे दो। तो उसने कहा जी लाए जी 15 रुपये। उन्होंने 15 रुपये दिए, उन भाई ने जेब में रखे, अखबार निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। ये अब इसकी वेरिएशन है तो वो बड़ा मज़ाही है, एक चुटकुला था, लेकिन मैं इसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि उसने अखबार निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया उसके साथ, उसको ना हेडलाइंस बताए, कभी कोई रोशनाई बताए, कभी कुछ बताए, कभी कुछ, तो उसने कहा भाई मुझे अखबार दे दो, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। तो कहते नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, दिलचस्प न्यूज़ क्या है। आज आपसे, आप फॉर एग्जाम्पल बिज़नेस जानना चाहते हैं, मैं बिज़नेस पाऊँगा, स्पोर्ट्स जानना चाहते हैं, मैं स्पोर्ट्स की बेस्ट हेडलाइन, आपने क्यों इधर उधर टाइम ज़ाया करना है। कहता यार मुझे दे भाई, मैं अखबार घर जाके खुद ही पढ़ लूँगा। अच्छा, वो बंदा जो आइडिया लेके आया था ना, जिसने ये प्रैंक किया था, उसने उस प्रोडक्ट को, अखबार को सर्विस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी कहा जाता है, प्रोडक्ट एज अ सर्विस के। तो इसकी बहुत सारी शक्लें हैं, एक दफ़ा प्रोडक्ट मिल जाए ना, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। एनीवेज, तो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब आप प्रोडक्ट अपनी बनाएंगे ना, तो उसके लिए आपको उसका कोई बिफोर हैंड डिज़ाइन खुद सोचना होगा, अपनी प्रोडक्ट का। मत सोचें यार कि मैं डेवलपर हूँ, मैं डिज़ाइन क्यों सोचूं, आप डेवलपर भी हो के कुछ तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने बहुत शुरू शुरू में बनाया था एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, जो एक तकरीबन 5-6 कंपनीज में लगा हुए ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको मैंने डिज़ाइन किया था। इस तरह की आप स्क्रीन्स प्लान कर सकते हैं कि जी यार मैं इसको क्लिक करूँ असाइन पे तो क्या हो, किस तरह की स्क्रीन खुले, ठीक है, तो ये सारा फ्लो वगैरह इसके अंदर डिफाइन किया जा सकता है।
ये जब बन जाता है उसके बेस के ऊपर मज़ीद एक हाई लेवल डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर इस कॉन्सेप्ट को, प्रोटोटाइप को लेके डिज़ाइन करता है। जब डिज़ाइन हो जाता है तो फिर डेवलपर्स उसको डेवलप करते हैं। एनीवेज बताने का मकसद ये था कि आप कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को प्रोडक्ट ओरिएंटेड सोच लेके आएँ, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये काम कैसे करना है, तो हमारा कोर्स है एसटेक फोर्स का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर सारी ये चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी। मार्केट समझना, बिजनेस को समझना, एवरीथिंग विल बी क्लियर। वजी हाँ, नेक्स्ट। हाँ वजी, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं इस सेशन के एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, वहाँ पे मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है। आप अपने रेडी रखें क्वेश्चन सारे। अच्छा जी, वजी हाँ, ठीक है। इन्होंने हेडिंग्स को कैपिटलाइज किया हुआ है टॉप लेवल, और बाकी इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। HTML CSS ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, मेरे ख्याल में की ही नहीं, बल्कि गुड है, कोई मसला ही नहीं है। और लिस्ट का इस्तेमाल है, वेरी गुड। यहाँ मुझे लगता है कि लिस्ट के अंदर ही आपने हेडिंग बनाई गई है। गुड आइडिया, अच्छा किया। कोड देखूँगा तो मुझे सही समझ आएगी। कोड में जाते हैं। ये वजीहा की HTML है। इन्होंने ठीक है शॉर्ट आइकन जो कहते हैं फेविकॉन, वो भी लगाया हुआ है। इमेज कोई नहीं है इसमें। स्टाइल शीट आपने थीम स्टाइल CSS के लिंक दिए हैं, ठीक है। जब होगी तो इस्तेमाल की जा सकती है। गुड। इस पे फासला ना रखें, जोड़ के रखें इसको, ऐसे था पहले तो जोड़ लें। ठीक हो गया। HTML JPEG, JPEG नज़र नहीं आई मुझे, कोई इमेज नज़र नहीं आया इसमें, पता नहीं कहाँ है। अच्छा जी, H1 H2 बोल्ड, ठीक है। हेडर, ओ वाओ, सिमेंटिक टैग्स यूज़ किए हैं। नाइस नाइस नाइस, गुड जी हाँ, वेरी गुड। आपके साथ पार्टनर कौन है आपके? अच्छा, सारा स्ट्रक्चर बनाया। FIR, व्हाट इज़ FIR? ये तो FIR सुना सुना है, ये FIR कहीं देखा है मैंने, उमर भट्टी या अली सीमा में लगाया था ये। व्हाट इज़ FIR? नहीं, मैं पहले भी कहीं देखा है ये इन्हीं प्रोजेक्ट्स में। मुझे बताएं ज़रा आपका पार्टनर कौन है भजिया। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट किया आपने। ओके गुड, ये विड्थ किस तरह दी है? इसकी वजह से आपकी यहाँ पे HR नहीं बनी। ये क्या है, इसको इस तरह नहीं लिखना यार। बस 15 पिक्सल की HR बना के करनी क्या आपने? पता नहीं कहाँ बनाई है छोटी सी HR, पूरी बनाने दें इसको, ठीक है। वो बीच में लगी हुई थी, आखिर ले लें। 150 पिक्सल की बनाए तो नज़र भी आए। 15 पिक्सल की HR बनाई हुई थी। चलें कोई बात नहीं, डिज़ाइन इश्यूज़, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, हर लिस्ट को पैराग्राफ में डालने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट के अंदर पैराग्राफ डाल सकती हैं आप। लिस्ट पैराग्राफ के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, सेंस नहीं बनती। बाकी ठीक है सारा। ये मुझे क्लास वाला समझाएं, FIR क्यों लगाई है ये, मैंने कहे देखी है कहीं।
अगले प्रोजेक्ट पे मूव करते हैं। कौन है जी? फैसल, फैसल इमेज लगाया उन्होंने, सोशल आइकन्स दिए, गुड, वेरी गुड। एच आर दी है, ओके हो गया, गुड। आपने CSS भी यूज़ किया आई थिंक, फैसल CSS भी यूज़ किया आई थिंक आपने। अच्छा, आपने फॉन्ट ऑसम यूज़ किया है, इसकी क्या वजह है? ये कोड कॉपी लग रहा है मुझे फैसल। डोंट थिंक सो, ये कोड आपने, ओके सही है, सही है, ठीक है। आपने एक्चुअली एफ वगैरह ये चीज़ें उठाने की कोशिश की है फॉन्ट ऑसम से, है ना? यही किया ना आपने, यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले फोन्स उठाए हैं, ठीक है, गुड है। लेकिन इस पे होवर करने से कुछ हो तो नहीं रहा वैसे। मैंने किया होवर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपने इतनी मेहनत करके होवर बनाया तो उसका रिजल्ट नहीं है, कॉपी तो नहीं किया यार, अपना नुकसान खुद करोगे, मेरा भी टाइम ज़ाया करोगे। और इसका फॉर्मेट अच्छे तरीके से करें, ये सब पढ़ा ही नहीं जा रहा। ओके, ये क्या ऑल टैग दिया यार फैसल, बड़े हो जाए। ठीक है, नाइस, अच्छा स्ट्रक्चर है फैसल, वेरी गुड। एड्रेस वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। क्लास फॉन्ट, इसको भी फॉन्ट कह दिया, समरी को भी, ठीक है, ठीक है, समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। सही जा रहे हैं, ठीक है फैसल। इसको फोर्ड को ना, कोड को फॉर्मेट करें अच्छा सा, ठीक है। और बाकी आपने अच्छा काम किया है, वेरी नाइस, ठीक हो गया। और हेडिंग को आईडी दिया, ये कितने आईडीज हैं यहाँ पे? आपको क्लास और आईडीज की भी सेंस है, वेरी गुड, आई लाइक योर वर्क, ठीक है। बल्कि इसके जो जो लुक है वो भी बहुत अच्छी है, जितना आपने कोड लगाया है उस हिसाब से, मतलब थोड़ा कोड लगाया है लेकिन रिजल्ट अच्छा दिया, दिस इज़ गुड। और आपको लाइब्रेरीज का वगैरह भी पता है, जैसे फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी, तो बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं, फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी है। वेब डेवलपमेंट का जो 60-70% जो एरिया है वो लाइब्रेरीज पे चलता है, तो लाइब्रेरी एक्सप्लोर करते रहा करिए फ्री टाइम में ना, बोर हो रहे हो तो लाइब्रेरीज याद किया करें कि कौन सी काम की क्या लाइब्रेरीज हैं, सर्च किया करें, वीडियोस देखा करें। अब हमारे पास मोहम्मद उमर सलीम, अच्छा उमर भट्टी, आपने इम्प्रूव किया इसको, क्या इम्प्रूव किया? अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, गुड, तस्वीर फिर नहीं दिया आपने, मैं वो तस्वीर दे देते ना मुझे तो यहाँ डिस्प्ले हो जाती। ये देखें, ये होती है अलाइनमेंट। मैं एक प्रोजेक्ट देखा, उसमें अलाइनमेंट सही नहीं थी, दिस इज़ गुड, बहुत अच्छा है। अब ये CV में जा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है उमर बेटी। विड्थ यार फिर नहीं सही दी उमर, और एक क्लास के अंदर स्पेस है, कोड तो फॉर्मेट करके भेजा करें, ऐसे मज़ा नहीं आता। वेट्स इस तरह नहीं देते, ऐसे देते हैं वेट्स। आपने अच्छा किया है, नेट से देखा है वेट्स कैसे देते हैं, और 10 पिक्सल की मतलब वेट करोगे क्या, नज़र ही नहीं आनी, ठीक है। 100-150 पिक्सल तो बनाया करो। FIR उमर भट्टी साहब, ये आप ही का मैंने कोड देखा था FIR वाला, ये आपने किधर किधर वबा फैलाई हुई इसकी, इसका सेंस मुझे थोड़ा समझा दें। FIR ये वजीहा का कोड था, पता नहीं किसका था, उसमें भी FIR था, ये किसकी कटवा दी FIR?
चले कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। टेबल में आपने इसको बनाया, टेबल का टी छोटा होगा, या तो सारा कैपिटल लिखे हैं या सारा स्मॉल लिखे हैं। ओके, स्किल्स स्किल्स, अच्छा ये टेब इधर खत्म हो रहा है, फॉर्मेटिंग इश्यूज हैं। शिर, वो शिर भी आ गया, विड्थ फिर ही सही थी। तवज्जो दिया करें काम पे सबमिट करने से पहले, याद रखिएगा सेक्शन का एस छोटा होता है, या तो सारा स्मॉल लिखे या सारा कैपिटल्स में लिखे। जो आपकी आपका जो वर्क सबमिट होता है ना, याद रखिएगा आपकी पर्सनैलिटी का वो प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, नज़र आता है कि आपकी तवज्जो डिटेल्स पे कितनी है, आप कितना फिक्रमंद है अपने प्रोजेक्ट को लेके। अब जैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपने मैंने पार्टनर्स इसलिए बनाए हुए हैं कि एक बंदा दूसरा काम चेक करे, दूसरा तीसरे का काम चेक करे, एक दूसरे का काम चेक करें सबमिट करने से पहले, ये सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप सबने बहुत अच्छा काम किया है, रियली लाइक इट, मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को अडेप्ट किया है, सीखा है। जिनको पहले से आता था उनको कुछ मैंने इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स बताए कि आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो सीख रहे हैं उनको मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि आप किस तरह मज़ीद अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस पे, जिनके कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई गाइडलाइंस चाहिए मुझे बताएं, हम उसको डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले मुझे अब आप बताएं मेरी आवाज़ क्लियर है, फिर मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। बताएं जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? कैन यू हियर मी? हेलो लो लो लो, हेलो, जल्दी जल्दी बता दें। हेलो, ओके 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 ओके, इश्पक, ओके जी, अच्छा इश्पक को आवाज़ नहीं आ रही, इश्पक बाकी सबको आ रही है। अच्छा आपका कोई पार्टनर, यार आप किसी को भी देख लें ग्रुप में, आपके पास सबके नंबर्स हैं, जो जिनके पार्टनर्स नहीं बने वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर लें। हमारे पास बिलाल अशरफ की एक ड्यूटी लगी थी पार्टनर्स के हवाले से, वो काइंडली इशबाक को हेल्प आउट करें। अच्छा जी, सिमेंटिक टैग्स का पूछ रहे हैं कोई, कौन पूछ रहा है जी? उमर भट्टी। उमर, आपके पास सिमेंटिक टैग्स, आप इसको MDN मोजिला की जो वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है HTML की, वहाँ से सिमेंटिक टैग्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये होते क्या है, ठीक है, इसका मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा क्विक सा। होता ये, इसका वैसे मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है सिमेंटिक टैग्स का, ठीक है, वो लेक्चर जो है वो आप सुने पीछे कहीं, मैं आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में लेक्चर 2, 3, 4 इनमें कहीं पढ़ा होगा, जाके चेक कीजिए। 2 ऑनवर्ड्स जितने लेक्चर्स हैं वो सारे क्रिटिकल हैं, ठीक है, वो जाके देखिए। अच्छा होता क्या जी, सिमेंटिक टैग्स बेसिकली ब्राउज़र को
डायरेक्शंस देने के लिए, उसको समझाने के लिए, जो जितने दुनिया के क्रॉलर्स हैं, जैसे गूगल क्रॉलर है, इससे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए टैग्स लगाए जाते हैं। बेसिकली अगर आपका पूरा का पूरा कोड डिव से भरा हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, ब्राउज़र्स हैं, क्रॉलर्स हैं, रोबोट्स हैं, जो आपके कोड को समझ नहीं पाएंगे कि इसके अंदर क्रिटिकल एरियाज़ कौन से हैं जो हमने एसईओ के लिए यूज़ करने हैं, डिस्प्ले के लिए यूज़ करने हैं, इंटरफेस के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स, बेसिक सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, तो आपके कोड को मीनिंग्स देता है ये, ठीक है। जितने जो ब्राउज़र्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको समझाता है कि इस वेब पेज के मुख्तलिफ हिस्से कौन से क्या हैं, इस, ठीक है। इसकी एक बहुत एडवांस फॉर्म आती है, उसे कहते हैं स्कीमा, ठीक है। जब एहसास ये हुआ डेवलपर्स को कि जी हमने क्रॉलर्स को बेहतरीन तरीके से समझाना है, उन्होंने क्या किया, सिमेंटिक टैग्स की में इजाफा किया, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है। जब वो हो गए तो और रिक्वायरमेंट आई, जी हमें और नॉलेज दें आपके वेब पेज पे क्या क्या पड़ा हुआ है। उन्होंने फिर स्कीमेटिक्स निकाले, स्कीमा निकाला, schema.org जाके चेक कर सकते हैं। इसके अंदर JSON और HTML के टैग्स अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी इसकी एग्जांपल्स वगैरह आपको मेरे पुराने लेक्चर्स में नज़र आ जाएंगी, मोज़िला की जो है डॉक्यूमेंटेशन वहाँ भी नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन आपका हो, किसी का हो जी, सर उमर ने ही फियर की वबार फैलाई हुई है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है आपका पूछिए, ठीक है, मैं आपको एड्रेस करूंगा इधर। किसी ने कोई क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ, पर मैं ज़रा चेक कर लूँगा आपके कमेंट्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी इश्पा जी, सर जी बोलें, क्वेश्चन क्या आपका, इतने सारे सर कह दिए जी। जल्दी जल्दी किसी का कोई क्वेश्चन है ताकि मैं इस सेशन को वाइंड अप करूं, ठीक है। अभी हमारी जो कल जो सैटरडे को क्लास होनी थी वो मैंने आज कर ली है जी। जी इशबा, आप ही को मैंने एड्रेस किया अभी थोड़ी देर पहले, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। जी जी मुझे नज़र आ गया स्क्रीन पे, मेरी कमेंट्स की स्क्रीन पे सारा इशबा ही है जी, सुन रहा हूँ मैं। आप मुझसे ना पर्सनली बात कीजिए ताकि बाकियों का टाइम जो है वो चैलेंज ना रहे उसके लिए, ठीक है। खैर कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर। टाइम पे आया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए। कोई क्वेश्चन आंसर के सेशन हम इसी तरह रखते रहेंगे। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है वो प्लान नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो जो मैं सुन रहा हूँ वो उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही जी, मैं इनसे पर्सनली बात करता हूँ क्या इनको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाह रहा बाकी सबका जो है टाइम ज़ाया हो। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही, ये बस सर 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 और रोई जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।